प्रिय बच्चों नमस्ते। जो बच्चे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th क्लास की एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में आज हम इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन से लेसन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और कैसे क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बताऊंगी कि आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। हमारे दो बुक है, पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसके अंदर प्रोज सेक्शन के अंदर ए लेटर टू गॉड, दूसरा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तीसरा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, चार नंबर का फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, पाँच नंबर का द 100 ड्रेसेज फर्स्ट पार्ट, छः नंबर का द 100 ड्रेसेज सेकेंड पार्ट, 7 नंबर का द ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया, 8 नंबर का द सरमन एट बनारस। ये प्रोज सेक्शन के हो गए। पोइट्री सेक्शन के अंदर पहली पोइम डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी फायर एंड आइस, तीसरी ए टाइगर इन द जू, चार नंबर की हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, पाँच नंबर की अमेंडा, छः नंबर की एनिमल्स, 7 नंबर की द ट्रीज और 8 नंबर की द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन। सेकेंड बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट, इसके अंदर जो चैप्टर इंक्लूड है उसमें पहला ए ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, दो नंबर का द थीप्स स्टोरी, तीन नंबर का द मिडनाइट विजिटर, चार नंबर का फुटप्रिंट विदाउट फिट, पाँच नंबर का द नेकलेस, छः नंबर का भोली और 7 नंबर का द बुक दैट सेव द अर्थ। ये टोटल चैप्टर आपके एग्ज़ाम में इंक्लूड है और बाकी सारे डिलीटेड हैं। मैं इसमें पेपर पैटर्न के बारे में बात करूंगी। इसमें रीडिंग के अंदर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ग्रामर में 15 मार्क्स के, फर्स्ट फ्लाइट में 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, फुटप्रिंट विदाउट फिट में 13 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ईमेल और लेटर दोनों अथवा में होंगे जो 4 नंबर का होगा, स्टोरी 4 नंबर की होगी और एक पैराग्राफ है वो भी 4 नंबर का होगा। इस प्रकार से टोटल आपके 80 नंबर का पेपर होगा। एक जो चीज़ है इस बार वो मेन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके पैसेज में से पूछे जाएंगे ना कि चैप्टर में से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो 12 होंगे, एक एक नंबर के होंगे, इस प्रकार से 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और टेंस में से भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है वो 6 क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स के होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 12 होंगे और 12 मार्क्स के होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 13 होंगे, दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इस प्रकार से 26 मार्क्स के होंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो 4 होंगे, तीन नंबर के और 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इससे थोड़े बड़े ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी 3 होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और टोटल 12 मार्क्स के। इस प्रकार से टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा। अब जो मेन चीज़ है वो आपको बताना चाहूँगी, एक तो जो पैराग्राफ है वो उसमें विजुअल एड दिया हुआ होगा, उसको देख के आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोल्यूशन की बात हो रही है और जो सेकंड पार्ट है वो आपको ये बताना चाहूँगी कि पोइम है, पहले इसमें एक्सप्लेनेशन पूछी जाती थी और अब एक्सप्लेनेशन को हटाकर आपके लिए इजी कर दिया गया है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 स्टेंजा आएंगे और 4 आपके पैसेज आएंगे। इस प्रकार का आपका पेपर पैटर्न होगा। मैं सभी बच्चों को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। थैंक यू।